नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका आशीष ग्रीन लाइफ में। यहां आपको मिलती है गार्डनिंग, एग्रीकल्चर, लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो, तो जल्दी से आप सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए शुरू करते हैं आशीष दी पाठशाला। तो आज का मेरा टॉपिक है कैसे हम अपने गार्डन में हल्दी लगा सकते हैं और अदरक को हम कैसे अपने गार्डन में बहुत ही आसानी से लगा सकते हैं। तो अदरक लगाने के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए? सबसे पहले तो आपको चाहिए अदरक, और हल्दी लगाने के लिए चाहिए हल्दी की कच्ची गांठ। ये दोनों आपको मार्केट से मिल जाएगी। तो अदरक और हल्दी को सिलेक्ट करते समय ध्यान रखना है कि उसमें गांठें निकली जाए, ठीक है? गांठें निकली हुई होनी चाहिए। सब्जी वाले से ऐसी वैसी अदरक निकाल के बन बोल देना, इस तरीके से गांठें जरूर होनी चाहिए। कुछ नहीं, तो अगला स्टेप है सीड ट्रीटमेंट का। सीड ट्रीटमेंट का मतलब होता है किसी तरीके से आप बीजों को लगा दोगे, तो मिट्टी में रहते हैं कीड़े और फंगस, यदि आप लगाओगे तो बोलेंगे ये मैं हूँ, ये तेरा बीज है और यहाँ पड़ी हो रही है, हमारी गाय है और यहाँ में और हमारी पार्टी हो रही है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। खा जाएंगे आपके बीज, तो आपका जनरेशन रेट कम हो जाएगा। तो इसी के लिए किया जाता है सीड का ट्रीटमेंट। तो इसके लिए कैसे करना है? तो आपको जैविक तरीके से करना है। तो मार्केट में मिलती है दवाइयाँ जैविक की, तो यूज करना है ट्राइकोडर्मा या स्यूडोमोनास। दूसरा तरीका है केमिकल तरीके से करना है, तो आपको कैप्टन या थियम की दवा मिलेगी, या जो भी दवा आपको बीज की दुकान से बताई जाती है उसको लेके आपको सीड का ट्रीटमेंट करना है। तीसरा तरीका है जो मिलने वाला है कि आपके पास कुछ नहीं है तो हल्दी और राख तो घर में मिल ही जाएगी, तो हल्दी आप किचन से लीजिए और ये अपने टुकड़े पर लगाइए अदरक के, अच्छी तरीके से लगाइए। हल्दी बहुत अच्छा एंटी फंगल का काम करता है। और ध्यान रखिए इसमें कि आपका जो कटे हुए हिस्से हैं उस पर आपको बहुत ही अच्छे से लगाना है, क्योंकि फंगस का अटैक यहीं से होता है। बीज बनाने के लिए आप इस तरीके से काट भी सकते हैं, एक एक आप कलेक्ट कर सकते हैं, या आप ये पूरा पूरा टुकड़ा भी लगा सकते हैं। अगर आपको जनरेशन जल्दी चाहिए तो आप अपने बीजों को बोने से पहले थोड़ी देर पानी में भिगो कर रख सकते हैं। स्टेप 3, पॉटिंग मिक्स बनाने। पॉटिंग मिक्स बनाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी, आपको चाहिए वर्मी कंपोस्ट, आपको चाहिए रेत और आपको चाहिए कोकोपीट, और थोड़ा बोरमिल भी मिला सकते हैं। आप मिट्टी में कीड़े और फंगस रहते हैं, उसके लिए थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपको कीटनाशक और फंगीसाइड जरूर मिट्टी में मिलाना है, मिट्टी को बनाते समय। फिर अगला है गमला किस साइज का सेलेक्ट करना है, तो 12 इंच या उससे बड़ा गमला भी यूज कर सकते हैं, रो बैग भी यूज कर सकते हैं, उसमें बोरे या कट्टे हैं उसको भी यूज कर सकते हैं, सब्जी का कंटेनर भी यूज कर सकते हैं, पुरानी बाल्टियाँ भी यूज कर सकते हैं इसको लगाने के लिए। बस ध्यान रखना है 12 इंच से ज़्यादा साइज होनी चाहिए। तो फिर अगला स्टेप है इसको लगाने का। लगाने के लिए आप थोड़ा सा मिट्टी को भुरभुरी कर लीजिए और 1 इंच के गहराई पर इस तरीके से लगाइए कि आपकी गांठें ज़्यादा से ज़्यादा जो है ऊपर की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि इनसे पत्ते लेंगे। आप इसको लगा के हल्का हल्का ढक दीजिए, पूरा टाइट आपको मिट्टी को ढकना नहीं है, पूरा हल्का हल्का भुरभुरा ढक दीजिए। अब इसको हल्का सा पानी दे दीजिए। आपको ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, बहुत ही हल्का हल्का पानी देना है। 1 हफ्ते के अंदर आपके इस तरीके से पत्तियाँ निकलने लगेंगी और धीरे धीरे पत्तियाँ बड़ी हो जाएगी। इसको उगने में समय लगता है अदरक होने में, तो 8 महीने के लिए आप थोड़ा थोड़ा पानी देते रहिए और 8 महीने के बाद इस तरीके से आपकी फसल तैयार हो जाएगी। फसल तैयार हो गई कैसे पता चलेगा? तो फसल आपकी करीब फरवरी में तैयार होगी, उसकी पत्तियाँ पीली पड़ने लगेंगी, तो ये इंडिकेशन है कि आपकी अदरक हो गई है। फिर आपको उसको से निकाल लेना है और कुछ बीज आपको रख लेने हैं अगली बार बोने के लिए, बाकी आपको इस्तेमाल करना है। तो ये थी अदरक और हल्दी बोने की मास्टर क्लास स्टेप बाय स्टेप। इसी तरीके से आगे और भी वीडियोस आती रहेंगी, तो आप गार्डनिंग जरूर कीजिए, अपने खेत में जरूर लगाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा। तो ये थी आज की आशीष की पाठशाला। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।